सौ दिन होने पर योगी सरकार ने अपनी उपलब्धियों का बखान किया। इस मुद्दे पर यूपी के कैबिनेट सत्यदेव सिंह पचौरी से क्या कुछ कहा, खास बात की हमारे संवाददाता अंकित श्रीवास्तव ने, सुनिए। उत्तर प्रदेश सरकार के आज 100 दिन पूरे हुए हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्वेत पत्र जारी किया है। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट मंत्री जो कैबिनेट में शामिल हैं सत्यदेव पचौरी जी, वरिष्ठ मंत्री हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आखिर कौन सी वो उपलब्धियां हैं जो आज गिनाई गई सत्यदेव जी? देखिए, सबसे पहले तो उन्होंने एंटी रोमियो स्क्वाड गठन किया। उत्तर प्रदेश में अवैध बूचड़खाने जनता की समाप्त हो, ये बहुत बड़ी मांग थी और समस्या भी थी और कानून के लिए सीधा चैलेंज था। उत्तर प्रदेश में उन्होंने कहा गन्ना किसानों का जो बकाया है वो भुगतान होगा, वो भुगतान हो गया। उन्होंने कहा किसानों का कर्ज माफ होगा, वो किसानों का कर्ज हमने माफ कर दिया। उन्होंने कहा कि गेहूं है वो उचित मूल्य पे खरीदा जाएगा, उचित मूल्य पे खरीदा जा रहा। उत्तर प्रदेश में पहली दफे हो रहा है मान्यवर, जो 30 तारीख आ रही है, कि ट्रांसपेरेंट पोस्टिंग उद्योग नहीं बनने दिया गया। मंत्री जी, ये उपलब्धियां आपकी सही रही, लेकिन क्या जनता के लिए ये उपलब्धियां कारगर साबित हुई? आप जिस क्षेत्र से विधायक आते हैं, क्या उस क्षेत्र की जनता खुश है इन कार्यों से? जनता इतनी खुश है कि आप स्वयं फीडबैक लें मान्यवर, आप जानते हैं जनता की भावनाओं को, कि जनता आज कह रही है कि 30 दिन में जितना काम इस सरकार ने कर दिया ये तो 65 वर्ष में नहीं कर पाए थे। विपक्ष कह रहा है कि हमारे कामों को प्रमोट किया जा रहा है, हमारे जो पूर्ववर्ती सरकार के जो काम थे उनका नाम बदल के योगी सरकार अपना ठप्पा लगा रही है। हम ना उनका कोई नाम योजना लागू करना चाहते हैं, ना उनका नाम लेना चाहते हैं। हम नई ये खाली स्लेट पे नई इबारत, विकास की इबारत, भ्रष्टाचार समाप्त करने की इबारत और लोगों में यह विश्वास पैदा करने की इबारत कि उत्तर प्रदेश में भी कानून का राज्य स्थापित हो सकता है, ये दिखाना चाहिए। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। आप जो कैबिनेट मंत्री सत्यदेव पचौरी जी, जिनका साफ कहना है कि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सुधार की जरूरत है और ये सतत प्रक्रिया चलने वाली व्यवस्था है। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ अंकित श्रीवास्तव, चैनल 1।